गोपियों का हृदय श्याम सुंदर की बातों को सुनकर दुख से भर गया। उनके लाल लाल पके हुए बिंब फल से अधर शोक के कारण चलने वाले लंबे तथा गर्म श्वासों के ताप से सूख गए। उन्होंने अपने मुख नीचे की ओर लटका लिए और पैर के नखों से वे पृथ्वी को उरेदने लगे। उनके नेत्रों से काजल से सने आंसू भर भर कर वक्ष स्थल पर पहुंच गए और वहां लगी हुई केसर को धोने लगी। वे चुपचाप खड़ी रह गई, कुछ भी बोल न सके। उन गोपियों का मन एकमात्र श्री कृष्ण में ही अनन्य भाव से अनुरक्त था। वे उनके लिए उनकी सेवा के अतिरिक्त सभी भोगों का सभी कामनाओं का सर्वथा त्याग कर चुकी थी। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मुख से प्रेम सुनने व्यक्ति की सी निष्ठुरता से भरी उपेक्षा युक्त वाणी सुनी तब उन्हें बड़ी ही मर्म वेदना हुई। रोते रोते उनकी आंखें रूंद गईं, फिर उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पुनः रोती हुई प्रणय कोप के कारण गदगद वाणी से कहने लगी। भजन संख्या 35। Yeah.
Thank you.